सब्सक्राइब कीजिए टेक यूट्यूब विनोद चैनल्स को, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मोबाइल ऐप से जो डीजे का सॉन्ग होता है उसमें अपना नाम कैसे डालते हैं, किस तरह से डीजे का सॉन्ग बनाया जाता था उस ताकि उसमें अपना नाम डाला जाता है। जैसे कोई डीजे का जो बनाता है तो उसमें किसी जो एडिट करता है उसका नाम उसमें उस डीजे को सॉन्ग के साथ साथ उसका नाम बोलता है, तो वो किस तरह से एडिट करता है मैं आज वही चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा, बस कम से कम समय में आपको अच्छा से जानकारी दे दूँगा कि किस तरह से आप उससे मिक्सिंग करेंगे ताकि उस सॉन्ग के साथ आपका भी नाम उसमें बोले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम एडिट करें। टेक यूट्यूब नोट, इंडिया नंबर वन चैनल। तो आइए शुरू करते हैं उस प्रोसेस को जिसके द्वारा कोई भी गाना को मिक्सिंग करते हैं। तो अगर हमारे चैनल्स पर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस लाल बटन दबाकर नीचे आप देखिए लाल बटन दिया हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे क्लिक कर लीजिए और साइड में बेल आइकन दिया हुआ उसे क्लिक कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ताकि आपको सबसे पहले पहुँचेगा। दोस्तों आज मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से वीडियो को ये डीजे का नाम डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का जो मोबाइल से किया जाता है तो इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आता है जिसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च करना है EDJ। आप जो ये देख रहे हैं जो मैं लिखा हूँ EDJING, बस इतना सर्च करना है तो सबसे ऊपर में जो एप्लीकेशन आएगा इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। आप इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसे एलो कर देना है। एलो कीजिएगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसे नेक्स्ट कर देना है, बस नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ दिया है स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। तो ये इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है कि अगर इसे सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन 7 दिन के बाद यह सबसे ऊपर में देखिए 7 डेज फ्री दिया हुआ है, 700 रुपया प्रति वीक लेता है ये। तो आप अगर 7 दिन अगर यूज कर लेंगे तो आपको चैलेंज ना और गो ऑन विथ द रिस्ट्रिक्टेड वर्जन पे, ठीक है। ये देखिए मैं इसका रिस्ट्रिक्टेड वर्जन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं वेलकम टू एडिटिंग आ गया, देख लीजिए यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और आपको ये जो है खुल जाएगा आपके स्क्रीन पर इस तरह से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरह से खुल गया। अब आपको यहाँ पर मिक्सिंग करना है, यहाँ पर कुछ ये देखिए आपको जिधर जिधर क्लिक करने के लिए बोलेगा आपको वहाँ क्लिक करना है। देखते हुए जिस करके घूमेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखते हुए यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्लिक करके इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए ये गाना खुद ब खुद आ गया तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इस प्लस पे क्लिक करना है और नया गाना लेना है तो इस प्लस पे क्लिक करके नया गाना ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलिए ये फाइल पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं नया गाना, ठीक है।
फाइल पे मैंने क्लिक किया और नया ये देखिए खुल गया। और मैं एक गाना लेता हूँ, जैसे ये प्लेन ट्रूथ या रविन, ये गाना मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो गाना हट गया और ये गाना आ गया। अब इधर से क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्लिक किसको किया था। ये देखिए इस यहाँ पर मैंने क्लिक किया, वहाँ पर गाना सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी नया गाना आएगा। नया गाना लेने के लिए आप इस प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब गाना ले लेंगे यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ से म्यूजिक बजेगा, और यहाँ से प्ले करेंगे इस यहाँ से तो आपको जो है ये साइड से जो म्यूजिक दीजिएगा, यानी अपना नाम का डीजे बोलिएगा तो यहाँ से प्ले कीजिए तो बजेगा, ठीक है। अगर आपका गाना बजते बजते ये आगे की ओर बढ़ गया तो आपको इसे पकड़ के फिर खींच के नीचे भी कर सकते हैं, तो ये गाना फिर से शुरू हो जाए। ये तो ये हो गया। उसके बाद इस इधर जो गाना लगा है, इस गाने का वॉल्यूम घटाने के लिए इसको नीचे की ओर क्लिक करना है, और इधर जो गाना बजेगा उसके आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए इसको आप ऊपर नीचे कीजिएगा, ठीक है। एफएक्स पे क्लिक कीजिएगा तो इस पर जो है कुछ बीट्स दिए हुए हैं, जैसे ढोल तबला, मतलब कुछ कुछ इसमें दिया हुआ है। इतना पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो ये बीएमपी देख रहे हैं तो इससे मतलब कि यहाँ देखिए एलो एक्सेस ऑल द बीपीएम सेटिंग्स, पिच लेवल को चेंज करने के लिए है, और एडिट बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, आप इसे करके देख लेंगे। बाद बाकी मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ कि किस तरह से मतलब कि आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि ये डीजे नाम से कोई है और इस नाम से इधर बजना चाहिए तो बजेगा, तो कैसा आवाज आएगा, मैं जो रिकॉर्डिंग किया हूँ आप इसे सुन लीजिए। डीजे विनोद इस तरह से मैंने इसे रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। आपको भी अपना नाम का इधर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप प्ले करने के लिए साइड वाले बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। और इधर जो है इधर इधर वाले गाने को अगर प्ले करेंगे, देखिए इस तरह से गाना बजेगा, ठीक है, इधर से इस तरह से गाना प्ले होगा, और इसी पे क्लिक करेंगे तो रुक भी जाएगा। तो इसे मिक्स किस तरह से करना, जी देखिए जैसे ये गाना प्ले हुआ इसमें मतलब कि आपको आवाज़ इसका मान लीजिए घटाना घट गया, इसका घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये भी घटेगा बढ़ेगा। अब यहाँ से कर रहे हैं क्या आपको, आप देख पा रहे हैं किस तरह से डीजे विनोद ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसको इधर दबा देंगे, इधर दबाने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग शुरू सॉफ्टवेयर में क्लिक करके चालू कर देना, देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गया, इधर से गाना प्ले हो रहा है, मान लीजिए गाना बज रहा है, और जहाँ पर आपको डीजे बिनो बुलवाना है आप इसे प्ले कर देंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं इस तरह से मैं डाल रहा हूँ और इसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग को भी मैं रोक देता हूँ, जो रिकॉर्डिंग चल रहा था उसी पे क्लिक किए तो ये रिकॉर्डिंग रुक गया। अब मैं इसका लाइव टेस्ट आपको सुना के दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। मैं इस नाम से इसे सेव कर दिया, बाद में कि इसको डन इस तरह से कर देना है, बैक कीजिएगा तो सेव खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब रहा इसको बजाने का बात, मैं इसे बजाने का प्रयास करता हूँ, म्यूजिक में हो सकता है, हाँ म्यूजिक में है, और इसमें अब कौन सा रिकॉर्डिंग है सबसे ऊपर का तो होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा ये देखिए, आपको ये सबसे नीचे का ये है, ठीक है, अब मैं इसे बजा के दिखा रहा हूँ, बज रहा है, तो इसमें आपको मतलब कि एक ही ट्रिंग कुछ अलग ढंग का ट्रिंग बज रहा था इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छे गाने पकड़ करेंगे तो इससे भी बेहतर तरीके से रिकॉर्डिंग होगा, और
अब जो मैं एफएक्स का बात कर रहा था, ये देखिए आपको मैं दिखा देता, सॉरी वो ऑप्शन यहीं से आता है, इसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस आता है, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा सारे ऑप्शंस को यूज करके अपना चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये खुद भी मिक्सिंग होने लगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए और भी लाऊं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के। बहती हवा सा था वो। टेक यू टू नोड, इंडिया नंबर वन चैनल।